कौन कौन प्रशांत किशोर की बात करते हैं? प्रशांत किशोर जनसुराज। ओ वो प्रशांत किशोर पांडे, अमित शाह के कहने पर नीतीश कुमार जी ने जदयू में शामिल कराया था, उसी पांडे की बात कर रहे हैं ना? अरे बड़े बड़े नाग परे हैं, ढोरवा मांगे पूजा। ग्रामीण परिवेश में एक कहावत प्रचलित है, समझे कि नहीं? बड़े बड़े नाग जो है, अब तो उसकी पूजा हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के सामने हो नहीं रहा है। अरे ये तो हमारे नेता का नाम ले लेकर चेहरा चमका रहे हैं कि कोई जान ले। कौन जानने वाला है इसको, कौन पहचानने वाला है? बिहार का चौहद्दी पता है इसको? पीआर एजेंसी नहीं है बाबू, सोशल मीडिया नहीं है। बिहार की राजनीति समझना अभी पांडे जी को बहुत समय लगेगा। इस चुनाव 2020 के चुनाव में आपने देखा ना, 3 नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे अकेले अभी तक राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ लड़ी है बिहार में। दम है नहीं? नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए बिहार में पिछले 1.5 महीने में लगभग 1.5 दर्जन से अधिक पुल गिर गए। लगातार पुल का गिरने का सिलसिला जो है वो जारी है। शनिवार को अगवानी घाट पर जो पुल बन रहे हैं, 1700 करोड़ से ऊपर का जो है ये फंड है, योजना है, लेकिन तीसरी बार जो है पुल गिर गया है अगवानी घाट में। हम बातचीत करेंगे, फिर से बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव हैं। क्या कहेंगे, लगातार पुल पे पुल गिर रहा है बिहार में? देखिए लगातार लगता है 22-23 पुल पुलिए ध्वस्त हो चुका है, यानी भ्रष्टाचार की गंगा में लगातार पुल पुलिया समा रहा है। अब हमें लगता है सरकार को भी पुल पुलिए की तरह ध्वस्त होना बाकी है। जो स्थिति है, भयावह स्थिति है पूरे बिहार में। क्या आपको कहाँ लग रहा है दिक्कत कहाँ आ रही है? 1700 करोड़ से ऊपर का ये योजना है, लेकिन इतने पैसे के बावजूद भी पुल तीसरी बार वहाँ गिरा है। अरे भाई भ्रष्टाचार जम के हो रहा है, पुल पुलिया निर्माण के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है। ठेकेदार से लेकर सरकार तक के बीच ये जो राशि है उसका बंदरबांट हो रहा है, तो पुल पुलिया तो ध्वस्त होना ही है। कई आप देखते हैं निर्माण के क्रम में ही पुल ध्वस्त हो रहा है, कई आप देख रहे हैं कि आपको उद्घाटन के पहले ध्वस्त हो रहा है, कई पुल पुलिया है रख रखाव के कारण ध्वस्त हो रहा है। तो यह स्थिति है, बिहार की स्थिति ठीक नहीं है। 4 सीट पर उपचुनाव होने हैं, प्रशांत किशोर 2 सीट पर कह रहे हैं कि इमामगंज और बेलागंज में ताल ठोक रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कितनी चुनौती? कौन कौन प्रशांत किशोर की बात करते हैं? प्रशांत किशोर जनसुराज। ओ वो प्रशांत किशोर पांडे, अमित शाह के कहने पर नीतीश कुमार जी ने जदयू में शामिल कराया था, उसी पांडे की बात कर रहे हैं ना? जी, जिसे जदयू ने उपाध्यक्ष बनाया था, पीआर एजेंसी चलाने वाले ब्रोकर कह रहे लालू यादव राजनीतिक रूप नीतीश कुमार दोनों का दुकान बंद कर देंगे। अरे बड़े बड़े नाग परे हैं, ढोरवा मांगे पूजा। ग्रामीण परिवेश में एक कहावत प्रचलित है, समझे कि नहीं? बड़े बड़े नाग जो है, अब तो उसकी पूजा हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के सामने हो नहीं रहा है। प्रशांत पांडे जिसकी बात आप कर रहे हैं, उसका ए टीम कौन है पता है ना? कौन है? भारतीय जनता पार्टी। फिनांसर वही है। अब ये बी टीम के रूप में काम कर रहा है बिहार में, है ना? लेकिन आप प्रशांत सर कह रहे हैं कि राजद के लोग जो है कार्यकर्ताओं को रोक रहे हैं कि जनसुराज में मत जाओ, जनसुराज मत ज्वाइन करो, डर बना हुआ क्या? अरे ये तो हमारे नेता का नाम ले लेकर चेहरा चमका रहे हैं कि कोई जान ले। कौन जानने वाला है इसको, कौन पहचानने वाला है? बिहार का चौहद्दी पता है इसको? पीआर एजेंसी नहीं है बाबू, सोशल मीडिया नहीं है। बिहार की राजनीति समझना अभी पांडे जी को बहुत समय लगेगा। क्या तैयारी? बिहार की जनता उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करती, इन्हें पता नहीं है, पता चल जाएगा, इसलिए इसकी बात ना ही करें तो अच्छा है। यहाँ नीतीश जी का तो अब नोटिस नहीं ले रहा बिहार की जनता। अच्छा।
इस चुनाव 2020 के चुनाव में आपने देखा ना, तीन नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे अकेले अभी तक राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ लड़ी है बिहार में। दम है, कुवत है। प्रशांत किशोर पांडे का जो ए टीम है, ए टीम में मद्दा है नहीं, तो ये किस खेत की मूली है? ऐसे ऐसे संगठन जो है, अगर चुनाव आयोग से आप लेंगे ना, 27-2800 से ज़्यादा है। कितनी तैयारी आप लोग की है चार सीट? हम तो और हमारी पार्टी और हमारे नेता 24/7 हम लोग तो तैयारी करते ही रहते हैं, तैयारी करते ही रहते हैं, आज चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही रहते हैं। तैयार है, जब हो चुनाव उसे कौन डरता है? तेजस्वी यादव जी का सेना डरने वाला नहीं है। हम लोग जुमलाबाज पार्टी नहीं है, चूंकि हमारे नेता जन सरोकार की राजनीति करते हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पलायन, जो सवाल हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उस सवाल को लेकर हम लोग संघर्ष करते हैं और समाज के बीच रहते हैं, इसलिए हम लोगों को कोई टेंशन नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे से बातचीत करते हैं। अरुण यादव जी ने साफ तौर पर कहा कि हम लोग 24 घंटे 365 दिन तैयार रहते हैं जब चुनाव हो जाए, और साथ साथ प्रशांत किशोर को लेकर के हमने सवाल किया, साफ तौर पर कहा कि प्रशांत किशोर नहीं बल्कि ये प्रशांत पांडे हैं और ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी वाले ही इन्हें फंडिंग करते हैं और ये चुनाव लड़ने की बात करते हैं और इनको कोई पहचानते तक नहीं है। साथ ही साथ लगातार जिस प्रकार से बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी है, अगवानी घाट में तीसरी बार पुल गिरा, इसको लेकर के हमने बात की, साफ तौर पर कहे हैं कि बिहार की सरकार जो है पूरी तरह से बेलगाम हो चुका है, बेनकाब हो चुके हैं और तमाम जनता जो है वो सब कुछ देख रही है और आने वाले वक्त में सबका हिसाब होगा। क्या कुछ कर रहे थे आप भी सुन रहे थे, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।